हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है, ये अगर आप लोगों ने 10th ITI या फिर 8th ITI कर रखी है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि हेल में जो है अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली हुई। ठीक है, यदि आप लोग 8th पास है या फिर हाई स्कूल पास है प्लस ITI, लेकिन जो ITI है वो आपकी NCVT से ITI होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आप लोगों ने इससे पहले कभी अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई है तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है हेल के अंदर आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए। जी हाँ, इसकी लास्ट डेट है 19 दिसंबर और 24 दिसंबर तक आपकी जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो चले चलते हैं इस तरीके से और मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देता हूं। तो देखिए, हेल की वेबसाइट है, इसका मैं लिंक आप लोगों को नीचे दे दूंगा। यहां पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करते ही आपको यहां पे PDF आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उपसाधारण विभाग लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, और यहाँ पे दिनांक 4/12 का ये नोटिफिकेशन है। बट जो अभी ऑनलाइन अप्लाई शुरू होना है वो अभी 8/12 से इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी कि यदि आप लोग ITI कर रखी है, ठीक है, तो आपकी ITI जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से संस्थान, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनरी ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रिकल, AC, रेफ्रिजरेटर, ट्रफमैन, ठीक है, सीटल पर कोपा पासा। ठीक है, और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो है ITI जो आपकी वो 2016, 2017 और 2018 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2016 से पहले वाले नहीं और 2018 वाले तक कर सकते हैं, 2019 वाले भी इसमें कर सकते हैं, बट उनके पास जो है रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यदि आवेदन के समय ITI की मूल मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट आवेदनकर्ता के को प्राप्त हो चुका हो, ठीक है, परीक्षा के समय तक ITI सर्टिफिकेट ITI धारक के पास होना चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि रिजल्ट आपका अपीयरिंग हो, ठीक है, वेटेड हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों के बैक पेपर और सप्लीमेंट्री परीक्षा अथवा उसका परिणाम जो है लंबित है, यानी कि अभी आने वाला है, तो वो भी आवेदन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2016, 2017, 2018, 2019 वाले भी कर लेंगे बट रिजल्ट हो। और शैक्षिक योग्यता में आप लोग देख सकते हैं, देखिए टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, मशीन ग्राउंड मैकेनिक, ठीक है, हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास विज्ञान एवं गणित से। ठीक है, यानी कि आपके पास हाई स्कूल में साइंस मैथ होनी चाहिए। और इसके बाद इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, मैकेनिकल में आपको यहाँ पे हाई स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, ओनली हाई स्कूल होनी चाहिए, यहाँ पे साइंस नहीं मांगी हुई है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे जिस ग्रेड से अपने ITI कर रखी है और आपसे क्या एजुकेशन मांगी है। ठीक है, और इसके बाद वेल्डर एवं शीट मेटल वर्कर के लिए आप सिर्फ 8th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 8th पास और आपकी ITI होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो कोपा पासा में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपका जो ये कोपा पासा के अंतर्गत है वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब NCVT द्वारा ही जारी किया गया वो सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा। SC और SCVT वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा देखिए, क्या स्टिपेंड वगैरह दिया जाएगा, तो ये इनके मतलब जो हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, और यदि आप पहले से कहीं अप्रेंटिसशिप प्रारंभ कर दिया है या प्रारंभ कर मतलब अप्रेंटिसशिप कर लिए तो आप इसके पात्र नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और देखिए, SCVT कोर्स में ITI पास अभ्यर्थी इस परीक्षा के पात्र नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, और भारत नेशनल यानी कि इंडियन लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को इसके इस अधिनियम के अंतर्गत होंगे। ठीक है, आपको जो इसका लाभ मिलेगा, और आपकी आयु जो है 19/12/2019 यानी कि जो इसकी फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, आपकी 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा मैंने बताया, SC ST सभी को यहाँ पे 3 साल 5 साल और 10 साल की छूट मिलती है, मिलेगी। परीक्षण की अभी जो ट्रेनिंग है वो आपका 1 वर्ष का होगा। ठीक है, इस चीज़ का तो सभी ITI वालों को यही होता है। चलिए, आवेदन करने की विधि, तो आवेदन आप लोग को इस वेबसाइट पर जाकर के किस तरीके से आवेदन करना है इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पंजीकरण होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, जो ये 7 से 19 दिसंबर के बीच जो चल रहा है, इसमें आप लोगों को पहले जो है अपना अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपने NCVT में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, तो उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको 10 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए NCVT वाला। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर मूल सूचनाएं भरने के उपरांत वेबसाइट का पंजीकरण संख्या मिलेगा, जिसे आप भविष्य के लिए नोट करके रख लेंगे। ठीक है, जब भी आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जाएगी हेल के वेबसाइट से। ठीक है,
और जब भी आपका मतलब इसमें ज्वाइनिंग होगी तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और यदि आवेदक HCL कार्यकर्ता है यानी कि कर्मचारी है, उस पर आप पति पत्नी या जो भी मतलब जैसे भी हो, तो आपको यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हेल्प में जिनके फादर वगैरह या जो वर्क करते हैं। ठीक है, और इनमें देखिए साफ साफ बोल दिया है कि केवल आवेदन करने से ही आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप हेल्प के में अप्रेंटिस के लिए पात्र हो गए, आपकी जो मेरिट वगैरह निकलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे चयन दे रखा है, चयन जो है मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, यानी कि आपके हाई स्कूल के 70% नंबर जोड़े जाएंगे और ITI के 30% के योग के आधार पर आपकी मेरिट निकाली जाएगी। और यदि आपके हाई स्कूल में CGPA हैं, ठीक है, तो अब बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा प्रमाणित सूत्र के अनुसार समतुल्य प्रतिशत 2.0 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उनका जो जिस टेक्निक से उनको निकालना होगा उस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अपने जो इन्होंने बोर्ड से जो इनका रूल्स होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट में भी इमीडिएट चयन का परिणाम जो है आपकी जिस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे, जहां से वहीं पे आपकी जो है चयन का परिणाम आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और देखिए 24/12/2019 जो मैंने आपको बताया था, 24 दिसंबर तक ही आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो हेल में अप्रेंटिस करना एक बहुत ही रुतबे वाली बात है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और इसके अलावा नीचे अधिक जानकारी वगैरह चाहते हैं तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के ये आपका हॉल हेल्थ का पूरा हो गया। ठीक है, आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और इसके बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप इसके बाद जो मेरा न्यू वीडियो है वो हेल में आप कैसे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। बट उससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि यदि आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा NCVT में, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आपको 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो लेके आऊं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और या आने वाली कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रेंटिसशिप के बारे में आप लोगों को मैं इसी प्रकार से जानकारी देता हूँ। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।